बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद आईपीएल में विज्ञापन नहीं देगी। कंपनी का मानना है कि क्रिकेट और खासतौर पर आईपीएल विदेशी खेल है। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक आईपीएल जैसे खेल उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां इन्हें स्पॉन्सर करती है। पतंजलि कबड्डी और कुश्ती जैसे देसी खेलों से जुड़े आयोजनों में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करेगी और उन्हें इस तरह से बढ़ावा देगी। पतंजलि देश की उन एफएमसीजी कंपनियों में से है जो विज्ञापन पर काफी पैसा खर्च करती है। विज्ञापन पर पतंजलि सालाना 570 से 600 करोड़ रुपए खर्च करती है। मुख्य धारा के मीडिया में विज्ञापन के साथ पतंजलि डिजिटल और सोशल मीडिया पर भी काफी एडवर्टीजमेंट देती है। पतंजलि की भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ है, जिसके चलते भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उतारने पड़े। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के दावों और आईपीएल को लेकर पतंजलि के इस कदम को भी कंपनी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।